जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बात करेंगे सिंगरौली की, और सिंगरौली में बीते दिनों एक नाबालिग बच्चे का मर्डर हुआ था। मर्डर महज 50 रुपए को लेकर हुआ था। बच्चे गेम खेल रहे थे और गेम खेलने पर 50 रुपए हार जाता है और उसी को लेन देन के चलते बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जाती है। वहां पर बता दे सरई थाना के प्रभारी संतोष तिवारी ने खुलासा करते हुए कहा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह मामला कोनी गांव के एक बालक जो है जो कक्षा 10वीं में पढ़ता था, वह स्कूल में रिसेस तक तो देखा गया, रिसेस के बाद वो घर नहीं पहुंचा, तो उसके परिजनों की रिपोर्ट पर थाना सराई में अपराध पंजीबद्ध हुआ। अपराध का 985/21 और उसके अपराध पंजीबद्ध होने के बाद लगातार उसकी तलाश की जाती रही और कल शाम को जो है थाने से थोड़ी दूर पर जो सरई स्कूल है विद्यालय से पीछे, वो वहाँ पर तालाब में उसकी लाश थी और लाश को प्रथम दृष्टया देखने पर उसके सिर पे उसके जो है गाल के ऊपर चोट का निशान दिख रहा था, जिससे प्रतीत हो रहा था कि उसकी हत्या की गई और उससे उसी के तहत इस जो कि ब्लाइंड मर्डर था, ब्लाइंड हत्या थी, इसलिए लगातार विवेचना कर पतासाजी करके शाम तक इस प्रकरण में आरोपी का पतासाजी कर लिया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। और घटनाक्रम में देखने में यह आया कि यह हत्या मात्र महज 50 रुपये के लिए एक गेम लूडो और पबजी जो गेम मोबाइल गेम होता है उस पर खेलने में बाजी लगा कर खेल लेते हैं और 50 रुपये हार जाने पर बच्चे से जो है आरोपी ने पैसे मांगे और न देने पर से उसकी इससे यह स्पष्ट है कि इस तरह की जो प्रवृत्ति जो स्कूलों में मोबाइल लेकर जाना और गेम खेलना और ऐसे पबजी और ऐसे गेम जो जिसमें बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाना और उस पर इस तरह से की घटनाएं घटित हो रही है, तो यह गेम बहुत तो माने अच्छा नहीं है। इस पर जो है कंट्रोल करना माता पिता को भी स्कूलों में कंट्रोल करना आवश्यक। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे यूडी न्यूज के साथ।